सर्कल टच अ लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एट अ पॉइंट पी वेयर ओपी इज इक्वल टू 4√2 एंड ओ इज द ओरिजिन एंड सर्कल कंटेन्स द पॉइंट -10.2 एज इट्स इंटीरियर पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑन दिस लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज 6√2। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल आने के बाद जो कंपेयर करने के बाद जीएफसी का वैल्यू आएगा तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी प्लस एफ प्लस सी बाई 10। तो अल्टीमेटली सर्कल निकालना है, उसके बाद तो ये हम निकाल ही सकते हैं जी प्लस एफ प्लस सी बाई 10। तो वो सर्कल निकालना है जो वाई इक्वल टू एक्स को टच कर रहा है ऐसे पॉइंट पर जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 4√2 है, ओके। और उस सर्कल के अंदर ये -10.2 उस सर्कल का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए और उस लाइन जो कौन सा लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 से जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है उस सर्कल का वो आ रहा है 6√2, ओके। तो देखते हैं, पहले सिचुएशन समझो जरा ग्राफिकली कि क्या सिचुएशन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके। दिस इज द ओरिजिन ओ, है ना। तो इस लाइन को टच कर रहा है सर्कल, जैसे लेट सपोज इस पी पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल, है ना। और वो पॉइंट कितना होना चाहिए, इसकी डिस्टेंस कितनी है 4√2। तो अगर ये जो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 4√2 है और ये जो पॉइंट है वो वाई इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, इस मीन्स ये कोऑर्डिनेट कैसा रहा होगा, t, t समथिंग। तो t, t का ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालोगे और उसको रूट टू के इक्वल करोगे 4√2 के, तो वहां से पॉइंट आ जाएगा 4.4। बहुत ईजी है ये तो, है ना। अच्छा, अब ओरिजिन से 4√2 डिस्टेंस पे तो यहां पे भी हो सकता है, तो -4.-4 वाला भी सिचुएशन हो सकता है और 4.4 वाला भी सिचुएशन हो सकता है। अब सर्कल लेट सपोज कि ऐसे टच कर रहा है ऐसे, है ना। बट इस सर्कल में क्या होगा कि जो पॉइंट दे रखा है ना -10.2, ये इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए उस सर्कल का। तो अगर मैंने सर्कल ऐसे टच करा दिया तो -10.2 तो यहां कहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला सर्कल तो पहुंचेगा ही नहीं, और ना ऐसे अगर टच कराऊं तो ये भी नहीं पहुंचेगा। तो ये सिचुएशन तो होगी नहीं पॉसिबल। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि लेट सपोज कि ऐसे कोई सर्कल, मैंने ऐसे कोई रफली ग्राफ बनाया है और ये सिचुएशन लिया पहले केस में मैंने ये सिचुएशन ली कि वो 4.4 पॉइंट पे टच कर रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स को, पहला केस लिया अभी मैंने, ओके। अब इस पॉइंट पे अगर ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है तो फैमिली ऑफ सर्कल से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हैं, एक सर्कल है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मींस एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर, है ना। उस पॉइंट को पॉइंट सर्कल ले लिया प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स -y इज इक्वल टू 0, ये उस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी जो इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ओके। अब एक्चुअली एक लाइन और है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन तो बिल्कुल इसी के परपेंडिकुलर है, ऐसे जा रही है ना, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 1 है। और यहां पे कॉर्ड इंटरसेप्ट हो रहा है ना। लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, लेंथ ऑफ ए बी इज 6√2, ओके। तो लेट सर्कल का सेंटर है यहां पे कहीं, है ना, लेट ये सी है। अब देखो ये भी 90 है और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊं ऐसे, है ना, तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगा। दिस इज 4√2 देन दिस विल बी 4√2, ओके। अब देखो यहां पे कॉर्ड बाइसेक्ट होगा तो ये पूरा कॉर्ड का लेंथ कितना है 6√2, तो ये तो 3√2 वाला लेंथ हो जाएगा ये वाला पोर्शन। और फिर मैंने इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन करा दिया, है ना, तो ये पार्ट तो रेडियस हो गया। और पाइथागोरस से क्या आएगा रेडियस, 4√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर, है ना। तो दिस इज 32, दिस इज 18, रूट फिफ्टी मीन्स 5√2, तो सर्कल का रेडियस आ गया 5√2, ओके। अब
सर्कल का रेडियस आ गया 5√2, तो बस इस सर्कल की रेडियस अब 5√2 के इक्वल कर दो, इस सर्कल का रेडियस इस सर्कल को जब ओपन करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहां से एक एक्स आएगा, यहां से माइनस एट एक्स आएगा, तो एक्स के साथ कौन आएगा, लैम्डा माइनस एट है ना, माइनस वाई माइनस एट लैम्डा वाई और ये माइनस एट वाई, तो लैम्डा प्लस एट और प्लस 16 + 16 32 इज इक्वल टू जीरो। ओके अब इसका रेडियस कितना आएगा, लैम्डा माइनस एट बाई टू का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस एट बाई टू का स्क्वायर, ओके एंड माइनस 32, और ये रेडियस किसके इक्वल है, 5√2 के, स्क्वायर करो लैम्डा माइनस एट का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस एट का होल स्क्वायर है ना, एंड दिस इज 4, दिस इज 64, 128, और 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसके स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, 200। ओके तो इसमें 16 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 128 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करके देखो ये 200 आएगा और लैम्डा स्क्वायर 100 आएगा, मतलब लैम्डा आएगा प्लस माइनस 10। ओके तो लैम्डा अगर प्लस माइनस 10 आएगा तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूं यहां पे तो प्लस 2x और माइनस 18y माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो, और लैम्डा का वैल्यू माइनस 10 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 18x, ओके और प्लस के 2y प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो, ये दो सर्कल्स आएंगे इस सिचुएशन के अंदर। जब मैंने पहला केस दिया कि 4,4 को टच कर रहा है तो इस केस में दो आ रहे हैं, बट क्या ये देखो कि कौन सा पॉइंट है, वो माइनस टेन कॉमा टू रखने पर क्या कोई सर्कल अंदर आ रहा है, -10,2 वाली सिचुएशन में किसी, मतलब ये जो पॉइंट है किस सर्कल के अंदर आ रहा है, -10,2, तो -10 रखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 100 एक्स 104 ये हो जाएगा और -32 और ये अच्छा ये तो माइनस हाँ और ये प्लस हाँ ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है इसको रखने पर, और इसको रखने पर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये तो इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं इन दोनों सर्कल के लिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते मेरे, है ना, इस केस में तो कुछ नहीं मिला। दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर वो ऐसे निकल गया -4 से -4,-4 पे भी तो टच कर सकता है ऐसे, है ना, तो ये सिचुएशन समझते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस कैलकुलेशन में, कि लेट सपोज कि यहां से है ना ये, और ये कोई सर्कल ये लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है ना, लेट सपोज ये पॉइंट -4,-4 है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी ओरिजिन से कितनी है 4√2 है ना, तो ये सेंटर है लेट सपोज है ना c, तो ये यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, तो ये 3√2 होगा, ये भी 3√2 होगा है ना, अब ये 4√2 है तो ये भी 4√2 होगा, तो ये 4√2 ये 3√2 तो ये कितना आ गया 5√2, तो अगेन रेडियस वही आएगा, और वो सर्कल कौन सा आएगा जो इस पॉइंट पे इस लाइन को टच कर रहा है, ये कौन सा लाइन है, वही वाई इज इक्वल टू एक्स, तो सर्कल हो जाएगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट करेंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो वो सर्कल है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, अब बट इसका रेडियस अब किसके इक्वल करना है 5√2 के। ओके तो अब यहां से फिर से वही कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा का वैल्यू फिर से प्लस माइनस 10 ही आएगा। ओके तो देखो सर्कल कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8y प्लस 32 और प्लस -10 ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है ना, तो आप एक बार प्लस 10 लेके देखो लैम्डा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 लेंगे तो 18x हो जाएगा और माइनस के 2y आएगा और प्लस 32 आएगा,
है ना, ये सर्कल। अच्छा दूसरा सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे जब लेमडा के वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस टेन एक्स और माइनस के टू एक्स है ना, और ये प्लस के टेन वाई और प्लस एटीन वाई प्लस थर्टी टू है ना। लेकिन इन दोनों सर्कल में से कौन सा सर्कल रिक्वायर्ड होगा जिसके लिए टेन माइनस टेन कॉमा टू, माइनस टेन कॉमा जो टू पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। कौन सा पॉइंट था, माइनस टेन कॉमा टू। तो देखो इस सर्कल के लिए, इस सर्कल में जब तुम माइनस टेन कॉमा टू रखोगे तो क्वांटिटी नेगेटिव आएगा, तो ये पता चल जाएगा कि इस सर्कल के अंदर क्या कहते हैं वो पॉइंट इंटीरियर है, मतलब इस पॉइंट के अंदर ये पॉइंट अंदर आ रहा है सर्कल के, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस टू वाई एंड प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से जीएफसी कंपेयर करके जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके okay?